सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ईशानी डिजिटल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आसानी से आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपको मेरे YouTube चैनल ईशानी डिजिटल में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि एमएस एक्सेल क्या होते हैं और एमएस एक्सेल का विंडोज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। उसी एक्सेल को आगे प्रोसेस करते आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल का फ्यूचर्स क्या होता है, यानी एमएस एक्सेल का विशेषता क्या क्या होता है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ नीचे कमेंट में अपना कमेंट भी दें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और आज वहाँ पर सीखते हैं कि एमएस एक्सेल का जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या उसका फीचर्स है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पर आज सीखते हैं। आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास और आज यहाँ पे सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में जो फीचर्स होते हैं एक्सेल के, क्या क्या चीज़ होते हैं एक्सेल का फीचर्स, वो आज यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सेल कंप्यूटर से। पीडीएफ को मैं ओपन करता हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को पीडीएफ के सहायता से ही बताऊँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्सेल का जो फीचर्स है वो क्या क्या चीज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने बना रखा है इसमें कि एक्सेल का फीचर्स क्या क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए फीचर्स ऑफ एक्सेल, एक्सेल का क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ होते हैं इसमें। ठीक है, पहला नंबर पे जो है आपका वह ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, यानी GUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सबसे पहला इसका फीचर्स है। इसमें क्या आपको एक्सेल एक GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिद्धांत पे आधारित सॉफ्टवेयर है, यानी जो एक्सेल है वो GUI पे आधारित एक सॉफ्टवेयर है, अर्थात इसके अंतर्गत यूज़र एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम सूचना को आदान प्रदान चित्रों के माध्यम से होता है। यानी जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके सहायता से हम एक्सेल के अंदर कोई भी सूचना जो चित्र के माध्यम से हो या किसी प्रकार का सूचना हो उसे हम आदान प्रदान यानी लेन देन का काम करते हैं, यानी हम उसको देते भी हैं और फिर वो मुझे वापस देता है। इससे इस सॉफ्टवेयर पर आसानी से कार्य किया जा सकता है, यानी एमएस एक्सेल के अंदर GUI को आसानी से यूज कर सकते हैं। ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी इसको कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि GUI जो है वो एक्सेल पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट डाटा को यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आदान प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा नंबर पे आपका है स्व पुनर्गन, यानी इसको अगर इंग्लिश में कहें तो ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, यानी जो कैलकुलेशन होता है वो ऑटोमेटिक इसमें किया जाता है। एक्सेल में बनाई गई टेबल के किसी सूत्र के मान यानी वैल्यू में यदि परिवर्तन किया जाता है तो उसे एक्सेल स्वतः ही पुनः अर्गन करता कर परिणाम को अपडेट कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि एक्सेल के अंदर अगर टेबल में कोई भी वैल्यू को परिवर्तन यानी चेंज करते हैं तो वो एक्सेल खुद ब खुद उसे चेंज कर देता है, यानी उसमें जो चेंजिंग होता है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन कर लेता है। कहने का मतलब कि जो भी वैल्यू को हम अगर पहले से दिया हो उसके जगह पर हम दूसरे वैल्यू को लगाते हैं तो रिकैलकुलेशन ऑटोमेटिक वो कर लेता है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरे नंबर पर जो आपका है फंक्शन का प्रयोग,
ये आप देख सकते हैं फंक्शन का यूज ऑफ फंक्शन। एक्सेल में अनेक कार्य करने के लिए पूर्व निर्मित प्रोग्राम होते हैं जिन्हें गणना के प्रयोग में लेने पर यूजर कैलकुलेशन के समय आने वाली लंबी प्रक्रिया से बच जाता है और जल्दी परिणाम प्राप्त हो जाता है। फंक्शन जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं, गणितीय, सांख्यिकीय, वित्तीय, तार्किकीय आदि। यानी कहने का मतलब कि जो फंक्शन जो होता है उसका यूज जो हम लोग करते हैं एक्सेल के अंदर, उसका फीचर्स में जो है वो है गणना को प्रयोग लाने में यूजर कैलकुलेशन के समय आने वाला जो टाइम लगता है, यानी जो भी हमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है वो टाइम को कम करने के लिए, यानी उसका टाइम को कम करने के लिए हमें यूज ऑफ फंक्शन का यूज इसमें होता है। उसके बाद जो आपका फॉर्मेटिंग आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी इसमें यूज किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक को आकर्षित बनाने के लिए फॉर्मेटिंग की सुविधा प्रदान करता है, यानी एक्सेल में ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, यानी जो भी उसका अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक्सेल में फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। एक्सेल टेक्स्ट के साथ साथ नंबर्स, डेट, टाइम आदि भी विभिन्न फॉर्मेट में डालने की अनुमति प्रदान करता है। यानी जो फॉर्मेटिंग होता है इसमें जो फॉर्मेटिंग का फ्यूचर्स है इसमें डेट, टाइम्स, नंबर वगैरह का चेंजिंग, यानी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए यानी आकर्षित बनाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आपका जो है वो है डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? एक्सेल में उपलब्ध डाटा को उचित प्रकार से संग्रहित व नियंत्रित किया जा सकता है। डाटा के यूज़र अपने अनुसार सॉर्ट, फिल्टर के अतिरिक्त उसमें रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। यानी एक्सेल के अंदर जो भी डाटा उपलब्ध होता है उसे उचित प्रकार यानी संग्रहित नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, या डाटा जो यूजर जो है उसे अपने अनुसार सॉर्ट फिल्टर की सहायता से उसमें सॉर्ट भी कर सकता है और फिल्टरिंग का भी ऑप्शन इसमें दिया होता है। अगर किसी का नाम, डेट, डाटा वगैरह, पूरा नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ है उसमें से केवल आपको नाम सॉर्ट करना है तो सॉर्ट में जाकर भी आप फिल्टर की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वो है ग्राफ बनाना, यानी क्रिएटिंग ग्राफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल में डाटा को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने के लिए डाटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, इसका जिसमें इस उनका विश्लेषण अच्छी तरह से किया जा सके। चार्ट डाटा को पढ़ने व समझने में आसान बना देता है। एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट होते हैं जैसे कॉलम, बार्स, लाइन, पाई, एक्स वाई, स्कैटर, डॉट, हैंड, सरफेस, बबल, स्टॉक आदि। यानी कहने का मतलब ग्राफ का क्या हुआ, किसी भी चीज़ को हमें अगर डिटेल्स में बताना हो तो हमें ग्राफ के सहायता से आसानी होता है किसी चीज़ को बताना, तो उसके लिए हम एक्सेल में ग्राफ बना ले सकते हैं और उसको हम आसानी से किसी भी जगह पर विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब किसी भी चीज़ को बताने के लिए आसानी कर देता है ग्राफ बनाकर। नेक्स्ट में जो आपका है वो आपका है एडिटिंग। ठीक है, एक्सेल वर्कशीट में एक बार डाटा टाइपिंग के पश्चात सुधार किया जा सकता है। सुधार के अंतर्गत नया डाटा टाइप करना, पुराना डाटा डिलीट करना, उसमें परिवर्तन करना होता है। यानी एडिट के सहायता से हम कोई भी डाटा जो पहले से ऑलरेडी लिख चुके हैं उसे हम चेंज करके नए लेटर को भी टाइप कर सकते हैं, उसे हम एडिटिंग का फीचर्स इसमें कहते हैं। नेक्स्ट में जो आपका है वो आपका है सेविंग एंड प्रिंटिंग। देख रहे हैं आप यहाँ पे सेविंग एंड प्रिंटिंग क्या है? एक्सेल में बनाई गई सभी वर्कशीट को फाइल के रूप में सेकेंडरी स्टोरेज में भविष्य के लिए स्टोर किया जा सकता है एवं प्रिंट के द्वारा वर्कशीट को हार्ड कॉपी में भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि एक्सेल के अंदर जो भी डाटा को हम यूज कर रहे हैं, डाटा बना रहे हैं, उसे इन फ्यूचर्स में यूज करने के लिए हम सेव करते हैं, और अगर उसे हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो बाय प्रिंटिंग के द्वारा हम उसको हार्ड कॉपी में भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये तो थी MS Excel का कुछ फीचर्स जिसका उपयोग ज़्यादा इसमें
किया जाता है, यानी जो भी इसका फीचर्स है वो आपको मैंने बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा गाइस कि मैं इधर कुछ दिनों से वीडियो को नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत में कुछ इशू आ गई थी, इस कारण से मैं नहीं बना पा रहा था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल को और आगे का प्रोसेस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।